रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट सिक्स क्लास। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 39 पुराना कोट पढ़ेंगे। पुराने कोट के बारे में आप जान लीजिए। इसमें आप दो मशहूर सियाहों के बारे में पढ़ेंगे जिनका एक कोट होता है और उनको जिसको वो पहनने की लोगों को एक बहुत हसरत होती है, जिसके बारे में ये लिखा गया कि उन जिन सियाहों के बारे में ये लिखा गया है वास्को डी गामा, उन्होंने भी ये कोट का पहना हुआ है। आइए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। खरीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट कर ना चल सके ये नहीं ऐसा नोट। वो कहती है कि हमने जाड़ों कहती है सर्दी के मौसम को नीलाम करते, जहाँ चीज़ें नीलाम होती हैं, मैंने वहाँ से पुराना कोट ख़रीदा जो मैंने कहा जो फट के ना के चल ना सके, क्योंकि मुझे पता है कि जो फट कर चल नहीं सकता ऐसा नोट, जैसे एक फटा हुआ नोट नहीं ना चल सकता, उस तरह उन्होंने बोला है कि मुझे पता है जब ये फट जाएगा तो ये नहीं चल सकता। पुरानी वाजिया का बेहद अजीब जामा है, जामा कहते हैं पोशाक को, ये एक पुरानी टाइप का, पुरानी नस्ल का, पुरानी ज़माने का ये लिबास है, पहन चुका है उसे खुद वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सियाहों का नाम है, मैंने आपको पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये एक सियाह ने भी पहना है, उसका नाम है वास्को डी गामा। ना देख कोहनियों पर इसके खस्ता समानी, खस्ता हाल बदहाल ख़राब, उन्होंने पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरान भी, वो कहती है कि तुर्क और ईरान के बादशाह भी इसको पहन चुके, तुम इसकी कोहनियों को पर बने हुए या फटे हुए कोहनियों के बदहाल को मत देखो। जगह जगह पर मसल मार्को मार्को पोलो, ये मिसल कहती है मिसाल, मार्को पोलो भी इसमें जी सियाह का नाम है। ये कोट कोटों का लीडर है, जिसे इसकी जे जे बोलो। वो कहती हैं कि जगह जगह पर मार्को पोलो को भी, मार्को पोलो ने भी ये कोट को पहना हुआ है, जगह जगह पर ये कोट मशहूर है, ये कोट सब कोटों का लीडर है, इसकी जे बोलो, मतलब इसकी खुशामदीद करो, इसकी जे जे करो। बड़ा बुजुर्ग है ये कलील कीमत का, कलील कहती है कम, ये बड़ा बुजुर्ग है, उन्होंने बताया कि जैसे एक बुजुर्ग इंसान होता है उस तरह ये कोट भी बड़ा बुजुर्ग है, बड़ा पुराना है, इसकी कीमत बहुत कम है। मियाँ बुजुर्गों का साया बड़ी गनीमत होता है, वो कह रहे हैं बुजुर्गों का साया बहुत गनीमत है, जैसे बुजुर्गों का साया हम पर गनीमत होता है, इस तरह कोट भी हम पर एक गनीमत है। अब हम आएंगे पेज नंबर 40 पे, ये वाला फर्स्ट, जो कदरदान वो जानते हैं कीमत को कि आफ्ताब चुरा लेगा रंगत को, आफ्ताब कहते हैं सूरज को, वो कहती है जो लोग कदर करना जानते हैं, कदरदान कहती है कदर करने वालों को, जो चीज़ की कदर करना जानते हैं वो उसकी कीमत को नहीं देखते, वो सिर्फ उसको उसकी कदर को देखते हैं। सूरज निकलने से, जैसे सूरज निकलता है और रंगत होती है, इस तरह इसी तरह ही ये कोट निकलता है और इसकी रंगत खुद ब खुद हो जाती है। जगह जगह जो ये धब्बे और चिकनाई, चिकनाई कहती हैं घी को, धब्बे कहते हैं दाग को, जगह जगह पर चिकनाई और घी के दाग धब्बे लगे हुए हैं, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई, वो कहते हैं कि इसको जो हलवाई भी पहन चुका हुआ है, इसलिए इस कोट पर दाग और धब्बे लग चुके हैं। गुज़िश्ता सदियों की तारीख का वर्क है ये कोट, तो इसको इबरत का एक सबक है ये कोट, वो कहते हैं कि खरीदो इसको, ये एक नसीहत का सबब है। गुज़िश्ता सदियों से, गुज़िश्ता तरीक से ये कोट चलता आ रहा है, जैसे एक वर्क होता है उस तरह ही ये एक कोट है, जिस तरह हम अपनी वसीतों को अपनी संभाल कर रखते हैं, इस तरह हमने इस कोट को भी संभाल कर रखा हुआ है। इस वीडियो के लास्ट पे बेटे, ये आज की हमारी वर्किंग है, इस वीडियो के लास्ट पे आपको इसकी वर्ड्स मीनिंग, अल्फाज मायनी और सवाल जवाब मिल जाएंगे। आपने अल्फाज मायनी और सवाल जवाब अपनी नोट कॉपीज पे, नीट कॉपीज पे आपका, आपने इसको वर्क करना है, जैसे आप मार्जिन लाइन करते हो उस तरह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 का पुराना कोट का वर्क करेंगे, पेज नंबर 40। पुराना कोट नीलाम से कब खरीदा गया, जारों में, मतलब सर्दी में, अगर फट जाए तो चल नहीं सकता नोट। पुराना कोट किसी वाजिया का अजीब अजीब जामा है, पुरानी। अब हम पेज नंबर 41 पे आ जाएंगे, जो MCQs है। पुराना कोट किस की तरह जगह जगह पर पड़ा रहा, मार्को पोलो। पुराने कोट की रंगत कौन चुरा लेगा, आफ्ताब। अब हम इसके जुमले बनाए करेंगे। मिसल, मिसल मशहूर है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इब्रत। इम्तिहान में नाकामी अहमद के लिए इब्रत का मुकाम थी, गनीमत। हमें छोटी सी जिंदगी को गनीमत समझना चाहिए। आफ्ताब, आज आफ्ताब पूरे आबोताब से चमक रहा है। कलील, इमरान की आमदनी बहुत कलील है, मतलब बहुत कम है। अब हम करेंगे इसका मरकजी ख्याल और कॉलम। कॉलम, पुराना नया, लबास जामा, आफ्ताब महताब, मिठाई हलवाई,
वर्क सबक। अब हम इसका मरकजी ख्याल करेंगे, इसकी आप लोगों को पिक्चर्स इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट पे भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मजाकिया शायरी में भी एक पैगाम मौजूद होता है। शायरी जिंदगी, शायर जिंदगी की आम चीज़ों को अपनी शायरी का मौजू बताते हैं, जैसा कि इस नज़म पुराना कोट में शायर मजाकिया अंदाज में पुराने कोट की आबीती बयान कर। अब हम करेंगे इसके अल्फाज मुतदार, इनकी पिक्चर सी बेटे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। पुराना नया, कलील ज्यादा, बड़ा छोटा, गुज़िश्ता मौजूद, खरीद बेच। अब हम करेंगे ये जुमलों का।